13 दिसंबर गौरव का दिन है, सौभाग्य का दिन है। मुगल काल के समय जो एक तरह से कहिए कि देश का अपमान हुआ था, शिव भक्तों का अपमान हुआ था, उस अपमान के घाव को धो डालने का दिन है। और इस पर मुझे एक शिव भक्त के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होने के नाते भी बहुत प्रसन्नता है, बहुत। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है और अब अजय मिश्रा के ऊपर केस चलेगा, जिस बात से आप लोग नकार रहे थे। अभी जो जांच होती है और जांच पे जो कार्रवाई होती है, जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है, उसमें सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का बयान नहीं है। अभी भी कोई संदेह है क्या? किसी भी प्रकार का बयान मेरे द्वारा देना उचित नहीं। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? अरे बाबा, आप इस समय राजनीतिक सवाल बाबा के धाम पे क्यों कर रहे हो? आप आओ बाहर, मैं आपसे जितनी बात करना हो कर लूं। धाम को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है और सरकार का प्रोपेगंडा कर रही है। बाबा से प्रार्थना है उनको सद्बुद्धि दे दें। गांधी कह रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि दे दें। पीएम साहब गंगा में नहा रहे हैं, उन्हीं की तस्वीर आ रही है क्योंकि उद्योगपति उनके पीछे खड़े हैं। अब मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, और चाहे कोई भी ऐसे राजनीति करने वाले भाजपा विरोध में पागल हो गए लोग हों, माननीय मोदी जी के कार्यों को देख करके बौखला गए लोग हों, वह सारे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना करके जा रहा हूँ। धन्यवाद।